हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोलॉजी इंपल्स टुडे इन दिस सेशन वी विल टॉक अबाउट चैप्टर नंबर थर्टीन ऑफ क्लास एलेवन्थ दैट इज फोटोसिंथेसिस सिंथिस इन हायर सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स प्रोसीड विद टुडे सेशन तो जब भी कभी हम फोटो की बात करते हैं तो हमेशा फोटो के अंदर तीन मेन स्टेप होता है सबसे पहले स्टेप के अंदर जो लाइट एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है दूसरे स्टेप के अंदर जो H2O है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर स्प्लिट हो जाता है और तीसरे स्टेप के अंदर जो सी ओ टू है वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर रिड्यूस हो जाती है तो ये जो चैप्टर है ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है पहला होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन जब हम लाइट रिएक्शन की बात करते हैं तो इसके अंदर जो अलग अलग पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं लीफ के अंदर वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड फॉर्म में लाके अपनी ऑर्बिट जंप करवा देते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को आगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट करता है और फिर वो अलग अलग फोटो सिस्टम के अंदर ट्रांसफ़र होता है जिनकी वजह से ए और एन रिलीज़ होता है जो कि हमने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फ़ोटोफॉसफर के अंदर पढ़ा है अब हमारे पास लाइट रिएक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है और हमारे पास लाइट रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट आ चुका है दैट इज ए एंड एन अब यहाँ से अगला पार्ट शेयर होता है दैट इज डार्क रिएक्शन इसके वो हम बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं इसको और इसके अंदर क्या होता है कि जो ए और एन बने लाइट रिएक्शन के इनका इस्तेमाल किया जाता है सी को कार्बोहाइड्रेट के अंदर रिड्यूस करने के लिए यानी कि अब इस स्टेप के अंदर किसका काम आ रहा है सी का काम आ रहा है अब फोटोसिंथेसिस के अंदर सी ओ की एंट्री होगी और सी ओ हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट के अंदर और इसको रिड्यूस करवाने के लिए हमें खर्च करनी पड़ेगी ए टी पी और एन ए डी पी एच तो अभी हम यही देखते हैं यही हमारा टॉपिक है कि जो ए टी पी और एन ए डी पी एच लाइट रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट बने हैं अब वो कहाँ पर यूज़ होंगे तो जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट था वो क्या था ए टी पी था एन ए डी पी एच था और ऑक्सीजन थी जो ऑक्सीजन है वो तो डिफ्यूज़ आउट हो जाएगी क्लोरोप्लास्ट के अंदर वहीं जो ए टी पी और एन ए डी पी एच है ये आगे इस्तेमाल होंगे शुगर या फिर फूड की सिंथेसिस के लिए और ये जो प्रोसीजर है जिसके अंदर फूड या शुगर की सिंथेसिस होगी इस पाथवे को हम बोलते हैं बायोसिंथेटिक पाथवे या फिर बायोसिंथेटिक प्रोसेस अब ये जो बायोसिंथेटिक फेज़ है या बायोसिंथेटिक पाथवे है ये एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन नहीं है लेकिन ये लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है यानी जो ए और एन है उसके ऊपर डिपेंड करता है यानी कि इस बायोसिंथेटिक फेज़ को चलने के लिए लाइट की ज़रूरत नहीं है लेकिन इसको लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट थे उनकी ज़रूरत पड़ेगी शुगर के सिंथेसिस करवाने के लिए यहाँ पे जो CO2 है वो कंबाइन हो जाएगी H2O के साथ और यहाँ पे शुगर की फॉर्मेशन होगी अब यहाँ पे ये जो पूरा प्रोसीजर चलेगा उसके अंदर एक बहुत मेन साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है मेलविन कैल्विन इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करके ये बताया था कि कैसे जो सी ओ टू है जब वो फिक्स होती है यानी कन्वर्ट होती है तो सबसे पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था यूजिंग रेडियो एक्टिव फोटीन सी कार्बन का यूज़ करते हुए उन्होंने एलगल फोटोसिंथेसिस किया था यानी कि उन्होंने एलगे के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था जो रेडियो एक्टिव फोटीन सी है उसका इस्तेमाल किया था और अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया कि जो पहला सी ओ टू फिक्सेशन प्रोडक्ट होता है वो एक थ्री कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है यानी कि जब सी ओ टू फिक्स होने लगेगी यहाँ पे सी ओ टू जब यूज़ होगी बायोसिंथेटिक फेज़ के दौरान तो यहाँ पे जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो एक थ्री कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल बनेगा और उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट करवाया था वो एक एल के ऊपर करवाया था इसके अलावा मेलविन कैलविन ने अपना पूरा जो बायोसिंथेटिक पाथवे है उसको वर्कआउट किया था और इन्हीं को ऑनर करने के लिए जो पाथवे है उसको हम कैल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं अब जब बाकी के साइंटिस्ट को ये हुआ कि हमने देखा कि एक थ्री कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल फर्स्ट प्रोडक्ट आ रहा है क्या लेकिन साइंटिस्ट को अब ये जानना था कि क्या सारे प्लांट्स के अंदर सी थ्री एसिड ही बनता है एज अ फर्स्ट सी ओ टू प्रोडक्ट तो उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें दो टाइप के प्लांट्स मिले एक तो ऐसे प्लांट मिले जिसके अंदर जो फर्स्ट सी ओ तो टू फिक्सेशन प्रोडक्ट था वो एक थ्री कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल था दैट इज़ थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पी जी ए भी बोलते हैं वहीं हमें कुछ ऐसे भी प्लांट मिले जिसके अंदर जो सी ओ तो टू फिक्सेशन प्रोडक्ट था वो एक फ़ोर कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल था जैसे कि ऑग्जैलो एसिड तो सिंपली वो प्लांट जिसके अंदर फर्स्ट सीओ फिक्सेशन प्रोडक्ट एक थ्री कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल यानी कि पी है ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं सी थ्री प्लांट और वो जिस पाथवे को फॉलो करते हैं उसका नाम है सी थ्री पाथवे यानी सिंपल सा लॉजिकल चीज़ है जिसके अंदर फर्स्ट प्रोडक्ट एक थ्री कार्बन मॉलिक्यूल बना है उसको हम सी थ्री पाथवे बोल देंगे वहीं पे वो प्लांट जिसके अंदर फर्स्ट सी ओ टू फिक्सेशन प्रोडक्ट एक फोर कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल बना है ऐसे प्लांट्स को हम सी फोर प्लांट बोलते हैं और ऐसे पाथवे को हम बोलते हैं सी फोर पाथवे यानी कि हमारे पास दो अलग अलग तरीके के प्लांट हैं कुछ ऐसे होंगे जिसके अंदर फर्स्ट सी ओ टू का प्रोडक्ट मिलेगा थ्री कार्बन एसिड वहीं कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिनके पास मिलेगा फोर कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल तो थ्री वालों को हम सी थ्री प्लांट्स बोल देंगे फोर वाले प्रोडक्ट वालों को हम बोल देंगे सी फोर पाथ अब ये तो बात हो गई प्रोडक्ट की लेकिन अब यहाँ पे कोई तो ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो सबसे पहले सी ओ टू को एक्सेप्ट करेगा तभी जाके तो प्रोडक्ट बनेगा तो अब हमारे पास साइंटिस्ट के पास एक और क्वेरी आई कि जो पहला जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होगा सी ओ टू का वो कौन सा होगा तब सब दिमाग में यही आ रहा था कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है जिसकी वजह से थ्री कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल बने तो बाद में सबको लगा था कि ये कोई टू कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होगा लेकिन जब पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ तब जाके पता चला कि जो फर्स्ट एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है ये एक फ़ाइव कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है जिसको हम बोलते हैं राइबुलोज बेस्ट फॉस्फेट सिंपल एंड शॉर्ट में आर बोलते हैं यानी कि सिंपल एंड शॉर्ट कहानी में यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सी ओ टू है उसको सबसे पहले एक्सेप्ट किया था आर यू बी पी ने और क्या बना दिया जो थ्री पी जी ए है यानी कि थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है उसकी यहाँ पे फॉर्मेशन इन्होंने करवा दी अब इससे पहले कि हम कैलविन साइकिल की बात करें इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एक बार हम उसको डिस्कशन कर लेते हैं तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज द पी जी ए वॉज द फर्स्ट सी ओ टू फिक्सेशन प्रोडक्ट वॉज डिस्कवर्ड इन द दोटोसिंथिस ऑफ कि जो पहला मॉलिक्यूल हमने मिला जो थ्री कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल दैट इज़ पी जी जो हमको मिला सी ओ टू फिक्सेशन प्रोडक्ट में ये डिस्कवर किया गया था कौन से प्लांट के फोटोसिंथेसिस के दौरान दी राइट आंसर इज एलगी जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था और इसको डिस्कवर किया था मेलविन कैलविन ने नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द C3 प्लांट द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसेंथेसिस ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन इज अभी तक हमको ऑलरेडी पता है कि जो डार्क रिएक्शन है इसी को हम बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं और इसके दौरान क्या होता है कि CO2 जो है वो कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो जाती है तो ये बोल रहे हैं कि जो सी प्लांट हैं उनके अंदर जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा सी फिक्सेशन के बाद वो कौन सा होगा तो हम इसका आंसर ऑलरेडी जानते हैं ये होगा एसिड इसके पास कितने कार्बन है थ्री कार्बन है इसीलिए ऐसे प्लांट को हम सी थ्री प्लांट भी बोलते हैं अब हम बात करने वाले हैं कैलविन साइकिल के बारे में तो कैलविन साइकिल से शुरू करने से पहले हमारे पास दो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि जो पहला प्रोडक्ट बनेगा सी ओ टू फिक्सेशन का वो क्या बनेगा थ्री पी जी ए बनेगा दूसरी चीज़ कि सी ओ टू का फर्स्ट एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन होगा आर यू बी पी होगा अब ये हमारे बहुत काम आने वाला है कैलविन साइकिल के दौरान कैलविन साइकिल के बारे में सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो कैलविन साइकिल है ये हर एक फोटोसिंथेटिक प्लांट के अंदर होती है डजेंट मैटर वो प्लांट सी थ्री पाथवे को फॉलो कर रहे हैं या फिर वो सी फोर पाथवे को फॉलो कर रहे हैं सभी प्लांट के अंदर कैलविन साइकिल ज़रूर चलेगी ये फिक्स चीज़ होती है अब ये जो कैलविन साइकिल है उसके अंदर थ्री मेन स्टेजेस होती हैं सबसे पहला स्टेप होता है कार्बोक्सीलेशन का दूसरा स्टेप होता है रिडक्शन का और तीसरा स्टेप होता है रीजनरेशन का अब इन तीनों स्टेप में सबसे पहले बात करेंगे कार्बोक्सिलेशन की ये नाम से ही अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं कि यहाँ पे किस चीज़ का फिक्सेशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा और यहाँ पे एक जो स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट है यानी कि जो स्टेबल प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन होगी तो असल में यहाँ इस इस पूरी इक्वेशन के अंदर होगा क्या कि जो सी ओ टू है उसका यूज़ होगा कार्बोक्सीलेशन होगा कौन एक्सेप्ट करेगा आर यू बी पी उसको एक्सेप्ट करेगा और किस चीज़ में कन्वर्ट करवा देगा थ्री पी जी ए में कन्वर्ट करवा देगा ये दोनों पॉइंट हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके थे कि एक्सेप्टर मॉलिक्यूल आर यू बी पी है और कन्वर्जन का जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो थ्री पी जी ए है किसका यूज़ यहाँ पे हुआ है सी ओ टू का यूज़ हुआ है और यहाँ पे इस पूरी रिएक्शन को जो कैटेलाइज करवाने वाला जो एंजाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका नाम है आर यू बी पी कार्बोक्सीज यही जो एंजाइम है ये इस पूरी रिएक्शन को प्रोसीड करवा रहे हैं अब ये जो आर यू बी पी है इसके पास ऑक्सीजनेशन की भी एबिलिटी होती है जिसकी वजह से हम इस एंजाइम को आर यू बी पी कार्बोक्सीज ऑक्सीजनेस के नाम से भी जानते हैं या फिर सिंपल एंड शॉर्ट हम इसको आर RU, रुबिस्को भी बोल सकते हैं हम इसको रुबिसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस आर यू बी पी एंजाइम के पास कार्बोक्सिलेशन की भी एक्टिविटी है ऑक्सीजनेशन की भी एक्टिविटी है यानी कि ये सी के साथ भी बाइंड हो सकता है और उसके साथ साथ ये ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड हो सकता है इसी वजह से हम इसको रुबिस्को बोलते हैं अब ये ऑक्सीजन के साथ इसके जो बाइंड होने वाली एबिलिटी है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं फोटो रेस्पिरेशन के दौरान क्योंकि जब ये आर यू बी पी सी ओ टू के साथ बाइंड हो जाता है तब तो हमारी ये जो कार्बोक्सिलेशन वाला स्टेप है ये होगा लॉजिकल चीज़ है शुगर की सिंथेसिस होगी आगे लेकिन अगर ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की भी एबिलिटी है तो ऐसे सिचुएशन में फोटो रेस्पिरेशन चलेगा जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं अगला स्टेप है रिडक्शन का इस स्टेप के दौरान जो शुगर है उसकी फॉर्मेशन होती है यानी कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे बनने वाला है इस स्टेप के अंदर अब हमने बोला था कि डार्क रिएक्शन अगर चल रही है तो वहाँ पे ए और एन खर्च होंगे तो वो यही स्टेप है जहाँ पर ये ए और एन खर्च होने वाले हैं रिडक्शन वाले स्टेप के अंदर दो एटीपी मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है और दो ही एनएडीपीएच मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है जो दो एटीपी चाहिए हैं वो चाहिए है हमको फॉस्फोराइलेशन के अंदर फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट वहीं एन चाहिए हमें जो सी मॉलिक्यूल है उसको फिक्स करने के लिए तो यहाँ पे अब एक सी जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसके फॉर्मेशन के लिए यानी कि अगर हमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है तो उसके लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी सबसे पहले तो हमें ग्लूकोज़ का फार्मूला पता है ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं सिक्स कार्बन होते हैं तो हमें छः ही मॉलिक्यूल चाहिए होंगे सी ओ टू के ये सिक्स कार्बन बनाने के लिए यानी कि ग्लूकोज बनाने के लिए और एक कैलविन साइकिल के दौरान सिर्फ़ एक ही सी ओ टू का मॉलिक्यूल फिक्स होता है तो अल्टीमेटली अगर हमें सिक्स ग्लूकोज वाले बनाना है तो हमें कितनी बार कैलविन साइकिल चलानी पड़ेगी छः बार कैलविन साइकिल चलानी पड़ेगी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर अगर हम छः सी के मॉलिक्यूल्स को फिक्स करेंगे तभी जाके हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आएगा एक कैलविन साइकिल के दौरान सिर्फ़ एक ही सी फिक्स होती है तो हमें छः बार कैलविन साइकिल चलानी पड़ेगी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए अब जो तीसरा स्टेप है दैट इज़ रीजनरेशन रीजनरेशन हमें किस लिए चाहिए ताकि हम आर को दोबारा से रीजनरेट करवा सकें और अगर हमने आर यू बी पी को रीजनरेट करवाना है तो उसके लिए भी हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी यानी कि यहाँ पे भी एक ए टी पी यूटिलाइज होगा ये जब ए टी पी खर्च होगा तो फॉस्फोराइलेशन होगा और हमारे पास जो आर यू बी पी है वो दोबारा से बन जाएगा यानी कि इस पूरी कैलविन साइकिल के दौरान हमने कितने एनर्जी को खर्च किया है दो ए और दो एन खर्च किए हमने रिडक्शन वाले स्टेप के अंदर और एक ए को हमने खर्च किया है के दौरान तो अल्टीमेटली हमारे पास कितने ए खर्च हुए तीन तो ए दो रिडक्शन के टाइम और एक रीजनरेशन के दौरान और दो एन जो कि रिडक्शन के टाइम पे यूज़ हुए थे तो हमें एक सी के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए थ्री ए और टू एन की रिक्वायरमेंट है इससे पहले कि हम सी फोर पाथवे के ऊपर चलें हम एक बार इसको डायग्राम से भी समझ लेते हैं और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनको भी कर लेते हैं तो ये हमारा डायग्राम है सबसे पहले यहाँ पे है रुबिसको रुबिस्को दैट इज रोज रोज वन फाइव बेस्ट फॉस्पेट यानी कि हमारे पास आर यू बी पी अवेलेबल है यहाँ पे ये जो आर यू बी पी है ये किसके साथ जुड़ेगा सी ओ टू के साथ जुड़ जाएगा जब आर यू बी पी सी ओ टू के साथ बाइंड हो जाएगा तो ये हमारा पहला स्टेप होता है दैट इज़ कार्बोक्सिलेशन और हमने क्या पढ़ा कि जब आर यू बी पी सी ओ टू के साथ जुड़ते हैं तो पहला प्रोडक्ट बनेगा और वो जो प्रोडक्ट होता है वो क्या बनता है थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो कि क्या है एक थ्री कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है इसके बाद आता है हमारा सेकेंड स्टेप दैट इज़ रिडक्शन रिडक्शन में हमें याद है कि हमने खर्च करनी है एटीपी और एनएडीपीएच तो यहाँ पे एटीपी और एनएडीपीएच खर्च होंगे जब एटीपी टूटता है तो हमें पता है एडीपी बनता है ट्राई फॉस्फेट है एक फॉस्फेट निकलेगा तो डाई फॉस्फेट निकल जा बच जाएगा यहाँ पे वहीं जो एन है जब वो टूटता है तो यहाँ पे एन ए डी पी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होता है जैसे ये रिडक्शन वाला स्टेप होगा तो हमारे पास जो शुगर है जो स्टार्च है वो हमारे पास मिल जाएगी हमें फिर आता है तीसरा स्टेप दैट इज़ रीजनरेशन यहाँ पे हम किस चीज़ का रीजनरेशन करवा रहे हैं आर यू बी पी को दोबारा से जनरेट करवा रहे हैं ताकि दोबारा से कैलविन साइकिल चल सके तो अगर हमें आर यू बी पी को दोबारा रीजनरेट करना है तो फिर से हमें ए टी पी खर्च करनी पड़ेगी जब ए टी पी टूट है तो ए डी पी बनता है और फिर से हमारे पास आर यू बी पी आ जाएगा और ये साइकिल फिर से कंटिन्यू रहेगी अगर हमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है यानी कि सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स की, की फॉर्मेशन करनी है तो हमें कितने कार्बन मॉलिक्यूल फ़िक्स करने पड़ेंगे छः सी ओ टू के मॉलिक्यूल फिक्स करने पड़ेंगे और कितनी बार ये साइकिल चलेगी छः बार ही ये साइकिल चलने वाली है तो यहाँ से जो पहला क्वेश्चन है दैट फॉर दी एसिमलेशन ऑफ दी वन सी ओ टू मॉलिक्यूल दी ए टी पी और एनर्जी रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी एंड एन ए डी पी एच टू आर यानी कि एक सी के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए हमें कितनी ए और एन ए के रिक्वायरमेंट है द राइट आंसर इज थ्री ए टी एंड टू एन ए यहाँ से दो ए तो खर्च होंगे रिडक्शन वाले स्टेप के अंदर और एक ए खर्च होगा रीजनरेशन वाले स्टेप के अंदर और ये दो एन वाले भी जो रिडक्शन का स्टेप था वहीं पे यूज हुए थे तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल द कैलविन साइकिल ऑपरेट्स फॉर द राइट आंसर इज सिक्स टाइम क्योंकि हमें पता है एक सी ओ टू का मॉलिक्यूल फिक्स होता है एक कैलविन साइकिल के दौरान तो अगर हमने एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है तो कितनी बार ये साइकिल चलेगी छः बार साइकिल चलेगी तभी जाके हमारे पास छः सी ओ टू फिक्स होंगे और जो ग्लूकोज है उसका एक मॉलिक्यूल हमारे पास जनरेट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन द सी थ्री प्लांट यानी कि कौन सा मॉलिक्यूल है जो सी ओ टू को एक्सेप्ट करता है सी थ्री साइकिल के दौरान The right answer is option number C, that is RUDP. Next question is Which technology or which technique is, has helped in the investigation of the Calvin cycle? The right answer is radioactive isotope technique. Next question is The dark reaction of the photosynthesis occurs in? The right answer to this question will be option number C, that is trauma outside the photosynthetic lamella. नेक्स्ट क्वेश्चन हैज़ द कार्बन डाइऑक्साइड जॉइंट द फोटो सिंथेटिक पाथवे इन द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ डार्क रिएक्शन यानी कि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी जब डार्क रिएक्शन यानी बायोसिंथेटिक फेज चलती है तभी जाके जो CO2 है वो एंटर करती है फोटो सिंथेटिक पाथवे के अंदर लाइट रिएक्शन के अंदर तो सिर्फ ए टी पी और एन ए डी पी एच बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट होते जाते हैं फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम टू दोनों ही लाइट रिएक्शन के पार्ट हैं आंसर इज ऑप्शन नंबर डी अब हम बात करने वाले हैं सी फोर पाथवे के बारे में द प्लांट्स ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन फॉलो द सी फोर पाथवे यानी कि जितने भी प्लांट हैं जो कि ट्रॉपिकल एरिया के अंदर पाए जाते हैं यानी कि इक्वेटर के आसपास पाए जाते हैं वो सारे प्लांट जो है वो सी फोर पाथवे को फॉलो करते हैं और जैसा कि हमने बात करी थी सी फोर पाथवे के अंदर जो पहला सी ओ टू फिक्सेशन का प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा एक फोर कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होगा दैट इज ऑग्जैलो एसिटिक एसिड लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ ध्यान रखने वाली ये है कि डजेंट मैटर कौन सा प्लांट है चाहे वो सी थ्री प्लांट है सी फोर प्लांट है हमने बात करी थी कि वहाँ पे कैलविन साइकिल ज़रूर चलेगी तो यहाँ पे जो सी फोर पाथे वाले वाले प्लांट हैं ये भी जो सी थ्री पाथवे यानी जो कैलविन साइकिल है उसको फॉलो करते हैं एज अ फैक्ट जो मेन बायोसिंथेटिक पाथवे होता है सी फोर प्लांट का भी वो भी सी थ्री पाथवे ही होता है अब कैसे डिफरेंट है सी थ्री प्लांट सी फोर प्लांट की कंपेरिजन में उसके बारे में देखते हैं तो सबसे पहला है कि जो सी फोर प्लांट होते हैं इनकी स्पेशल लीफ एनाटॉमी होती है इनके पास बंडल शीत सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे दूसरा ये इक्वेटर के पास प्रेजेंट है तो ये ज़्यादा हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सी थ्री प्लांट के नेक्स्ट इज़ कि ये ज़्यादा हाई लाइट इंटेंसिटी को भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं इनके पास फोटो रेस्पिरीशन नहीं होता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हम आगे फ़ोटो रेस्परेशन वाले टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट इज़ कि इनके पास ज़्यादा बायोमास का भी प्रोडक्शन होता है यानी कि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी इनके पास होती है अब जैसा कि हमने बोला था कि इनके पास स्पेशल लीफ एनाटॉमी होती है तो क्या ऐसा स्पेशल होता है इनकी लीफ के अंदर जो सी थ्री प्लांट में नहीं होता है तो वो चीज़ है बंडल शीत सेल्स इनके पास बंडल शीत सेल्स प्रेजेंट होती हैं ये कुछ लार्ज सेल्स होती हैं जो कि वस्क्युलर बंडल के आसपास पाई जाती हैं और ऐसे लीव्स जिनके अंदर ये वाले टाइप के जो बंडल शीत सेल्स से हैं पाई जाती हैं ऐसी एनाटॉमी होती है इसको हम बोलते हैं क्रैंज एनाटॉमी जो क्रैंज है इसका मतलब होता है वर्थ जो कि एक अरेंजमेंट ऑफ सेल्स का रिफ्लेक्शन है अब ये जो बंडल शीत सेल्स हैं ये बहुत सारी लेयर्स की फॉर्मेशन कर लेती हैं वस्क्युलर बंडल्स के साथ में अब ये जो बंडल शीत सेल्स हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या हैं तो सबसे पहले इनके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है दूसरा इसकी जो वॉल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती हैं जिसकी वजह से यहाँ पे गैशियस एक्सचेंज नहीं हो पाता है और तीसरा है कि इनके पास बिल्कुल भी इंटर स्पेस नहीं होता है यानी कि दो सेल्स के बीच में बिल्कुल भी जगह या स्पेस यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा अब हम बात करने वाले हैं सी पाथवे के बारे में सी पाथवे को हम हैच एंड स्लैग पाथवे भी बोलते हैं अब यहाँ पर हमने जैसे कि सी साइकिल में पढ़ा था कि जो फर्स्ट सी का फिक्सेशन का प्रोडक्ट क्या था वहाँ पे था फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और जो सी फोर प्लांट है इनके अंदर फर्स्ट सी ओ टू फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या था ऑगजैलो एसिटिक एसिड तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया प्रोडक्ट का दूसरा डिफरेंस होगा कि जो पहला एक्सेप्टर मॉलिक्यूल था कैलविन साइकिल के अंदर या सी थ्री पाथवे के दौरान वो कौन सा था वो था आर यू बी पी यानी राइबुलोज बेस्ट फॉस्फेट लेकिन हमारी ये जो बंडल शीत सेल्स हैं या फिर जो मीज़ो बंडल शीत सेल्स के पास तो रुबिस्को होता है लेकिन जो मीजोफिल सेल्स हैं उनके पास ये आर यू बी पी नहीं होता है यानी कि ये जो हैच एंड स्लेग पाथवे चलता है ये दो सेल्स के अंदर अपनी साइकिल कंप्लीट करता है एक तो इसको चाहिए मीज़ोफेल सेल दूसरी सेल से इसको चाहिए बंडल शीत सेल्स तो ये जो मीज़ोफिल सेल हैं इनके पास आर यू बी पी एनजाइम नहीं होता है इनके पास प्रेजेंट होता है फॉस्फोइनॉल पायरावेट तो यहाँ पे सी फोर पाथवे के अंदर जो पहला सी ओ टू एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होगा वो कौन होगा फॉस्फोइनॉल पायरावेट होगा फॉस्फोइनॉल पायरेवेट प्रेजेंट होता है मीजोफल सेल्स के अंदर और इस रिएक्शन को कैटेलाइज करवाने के लिए हमें जिस एंजाइम की ज़रूरत है उस एंजाइम का नाम है पी ई पी कार्बॉक्सीज या फिर पी ई पी केज अब यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं सी थ्री और सी फोर के बीच में सी थ्री के अंदर जो पहला एक्सेप्टर मॉलिक्यूल था वो था आर यू बी पी लेकिन सी फोर पाथवे के अंदर जो पहला एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है वो कौन सा है पी ई पी यानी कि फॉस्फोइनॉल पारोवेट यहाँ पे जो एंजाइम C3 वाले के अंदर जो कैटेलाइज करवाने वाला एंजाइम था उसका नाम था रुबिस्को रुबिस्को यानी कि इसके पास ऑक्सीजनेशन वाली भी एबिलिटी थी और कार्बोक्सिलेशन की भी लेकिन यहाँ पे जो C4 पाथवे इसके अंदर जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है इस रिएक्शन के लिए उसका नाम है पी ई पी केज यानी कि पी ई पी तो ये दो डिफरेंस हमारे पास ऑलरेडी हो चुके हैं C3 और C4 प्लांट्स के बीच में अब मीज़ोफिल सेल्स के पास रुबिस को नहीं होता है जैसा कि हमने पहले बात करी तो यहाँ पे जब ये एक्सेप्ट होता है मॉलिक्यूल तो यहाँ पे बनता है फोर कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल दैट इज़ ऑगजालो एसिड और उसके बाद ये एसिड ट्रांसपोर्ट हो जाता है बंडल बंडलचीत सेल्स के अंदर यानी मीजोफिल सेल के अंदर क्या क्या काम हुआ कि जो सी ओ आई उसको एक्सेप्ट किया पी ई पी ने और इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल हुआ वो हुआ पी ई पी केस और हमारे पास बन गया सी फोर एसिड अब ये जो सी फोर एसिड है ये मीजोफिल सेल से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा बंडल शीत सेल्स के अंदर बंडल शीत सेल्स में जाने के बाद ये जो सी फोर एसिड है ये ब्रोकन डाउन हो जाएगा और यहाँ से सी ओ टू रिलीज होगी अब ये जो सी ओ टू रिलीज़ हो रही है ये एंटर कर जाएगी दोबारा से कैलविन साइकिल के अंदर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसकी वजह से सी फोर प्लांट के अंदर कभी भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है जब हमने बात करी थी सी फोर प्लांट्स के बारे में स्पेशलिटी में तब हमने बोला था कि उसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है तो इसी सी ओ टू मॉलिक्यूल की वजह से फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे फोटो रेस्पिरेशन वाले प्रोसीजर के दौरान अब C4 से एक कार्बन तो निकल गया तो बाकी के कितने कार्बन बच गए थ्री कार्बन मॉलिक्यूल्स बच गए अब ये थ्री कार्बन मॉलिक्यूल्स दोबारा से मीज़ोफिल सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और ये दोबारा से आर यू बी पी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं जो बंडल शीत सेल्स हैं उनके पास जो है वो रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है याद करो मीज़ोफिल सेल में इसी C4 फोर पाथवे की मीज़ोफिल सेल्स के दौरान हमने पढ़ा था कि उनके पास आर यू बी पी नहीं था उनके पास था पी ई पी लेकिन हमारी जो बंडल शीत सेल्स हैं इनके पास रुबिस्को एंजाइम भी होता है और इनके पास पी पी केस नहीं होता है तो यानी कि इन दोनों के पास पी पी वाला भी है और इनके पास रुबिस्को भी है तो इसी वजह से ये जो कैलविन साइकिल है ये तो सी थ्री और सी फोर दोनों के अंदर होती है लेकिन ये जो सी वाला पाथवे है ये सिर्फ़ और सिर्फ C4 प्लांट में चलता है क्योंकि इनके पास बंडल शीत सेल्स प्रेजेंट होती हैं एक बार हम इसी पूरे पाथवे को हैच एंड स्लेक्ट पाथवे को हम एक बार डायग्राम की मदद से और देख लेते हैं सबसे पहले ये है हमारे पास मीजोफिल सेल और जो इसके नीचे वाली सेल है वो है बंडल शीत सेल ये दोनों सेल्स मिला के ही पूरा जो सी फोर पाथवे उसको कंप्लीट करती हैं सबसे पहले सी यू टू आई उसको एक्सेप्ट किया फॉस्फोनऑल पारवेट ने ये हमारा फिक्सेशन वाला स्टेप हो गया पहले और जैसे इसको एक्सेप्ट करके इसके रिएक्शन हुई हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ गया C4 फोर एसिड यानी कि ऑगजैलो एसिटिक एसिड आ गया अब ये जो C4 फोर एसिड है यहाँ पे मीजोफिल सेल में इतना ही काम होना था अब ये C4 फोर एसिड अब ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारी बंडल शीत सेल्स के अंदर बंडल शीत सेल्स में जाने के बाद होगा डी कार्बोक्सीशन वाला स्टेप डी कार्बोक्सीशन का मतलब क्या है कि ये जो C4 फोर एसिड है इससे एक कार्बन हट जाएगा और वो CO2 ओ टू के फॉर्म में आ जाएगा जो कि आगे कैलविन साइकिल में एंटर कर जाएगी वहीं पे जो बाकी के थ्री कार्बनस बचे अब वो यहाँ से दोबारा ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे मीजोफिल सेल के अंदर और ये जो फॉल्स वेनॉल पायरवेट है ये दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा अब हम बात करते हैं फोटो रेस्पिशन के बारे में जिसके हमने बारे में कैलविन साइकिल में भी बात करी थी और सी फोर पाथवे में भी बात करी है तो क्या होता है ये फोटो रेस्पिरीशन और किस तरीके से ये डिफ्रेंशिएट करवाता है सी थ्री और सी फोर के अंदर वो भी अभी देखते हैं सबसे पहला है रूबेस्को जो रुबिस्को है वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट एंजाइम है पूरे वर्ल्ड के अंदर क्योंकि हमें पता है ये हर एक प्लांट के अंदर पाया जाता है C3 में भी पाया जा रहा है C4 में भी पाया जा रहा है C4 के अंदर ये कहाँ पाया जा रहा है ये पाया जा रहा है बंडल शीत सेल्स के अंदर उसकी मीजोफिल सेल के पास रुबिस्को नहीं था लेकिन बंडल शीत सेल्स के पास जो था वो रुबिस्को प्रेजेंट है अब ये जो रुबिस्को है इसके बारे इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इसके पास कार्बॉक्सीशन की भी एक्टिविटी हो सकती है और ऑक्सीजनेशन की भी एक्टिविटी हो सकती है यानी कि इस एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो सी ओ टू के साथ भी जुड़ सकती है और एच टू ओ के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ भी ये जुड़ सकती है लेकिन इस रुबिस्को की एक अच्छी चीज़ ये है कि इसकी जो एफिनिटी है यानी जो बाइंडिंग एबिलिटी है वो सी ओ टू के साथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन के अगर ऐसा ना होता तो इन दैट सिचुएशन फोटो रेस्पिरीशन होने के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते लेकिन फोटो रेस्पिरीशन प्लांट की रिक्वायरमेंट नहीं है अब C3 और C4 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन होता है या नहीं होता है किस तरीके से होता है वो हम देखते हैं C3 प्लांट के अंदर जो कुछ अमाउंट की जो ऑक्सीजन है वो रुबिस्को के साथ बाइंड हो जाती है जिसकी वजह से सी ओ फिक्सेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि जो आर यू बी पी है वो सी ओ टू के साथ जुड़ता था और टू पी जी ए की फॉर्मेशन करता था लेकिन अब फोटो रेस्पिरेशन के दौरान क्या होगा कि जो आर यू बी पी है ये सी ओ टू के साथ ना जुड़ के ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और जब यह ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बनता है फॉस्फोग्लिसरेट का और एक मॉलिक्यूल बनता है यहाँ पे फॉस्फोग्लाइकोलेट का और इसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी पाथवे या फिर फोटो रेस्पिरीशन अब यहाँ पे इस प्रोसीजर के दौरान जब ये पूरा काम हो रहा है कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है आर यू बी पी के साथ ये फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट बन रहा है इस स्टेप के दौरान ना तो शुगर बनता है ना यहाँ पे एटीपी बनता है यानी कि यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बन रही है जो प्लांट के काम की हो और उसके बदले में यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है और एटीपी खर्च हो रही है तो यानी कि प्लांट को यहाँ पे नुकसान हो रहा है और इसी वजह से ये जो फोटो रेस्पिरेशन है ये एक वेस्टफुल प्रोडक्ट है यानी प्लांट के कुछ काम का नहीं हो रहा प्लांट को सी uh, ओ चाहिए थी वो सी ओ यहाँ से रिलीज़ हो रही है उसको ज़रूरत होती है सी की शुगर बनाने के लिए ना तो यहाँ पे उसके पास शुगर बन रही है ना उसके पास यहाँ पे एनर्जी बन रही है तो सी थ्री प्लांट्स के अंदर ये एक एज अ वेस्टफुल प्रोसेस काम करता है जो सी फोर प्लांट हैं उनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा मकैनिज़्म होता है जो कि क्या करता है एंजाइम साइट के ऊपर सी ओ टू की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता है अब इसको सी ओ टू की कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ी वो अब आप याद करो हमने बोला था कि सी फोर पाथवे के दौरान जो बंडल शीट सेल्स थी वहाँ पे डिकार्बॉक्सीशन हो रहा था वो जो सी फोर एसिड बना था वो ब्रेकडाउन हो रहा था जब वो ब्रेकडाउन हो रहा था तो वहाँ से सी ओ टू भी बन रही थी और सी थ्री एसिड भी बन रहा था तो ये जो सी ओ टू यहाँ पर बन रही थी बंडल चीज सेल्स के अंदर यही क्या करती है कैलविन साइकिल के अंदर एंटर करती है यानी कि वहाँ जाके क्या करती है सी ओ टू का अमाउंट बढ़ा देती है जैसे ही सीओ टू का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा हमेशा जो रुबेस्को है वो किसके साथ जुड़ेगा सी ओ टू के साथ जुड़ेगा और ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ेगा इसी वजह से सी फोर प्लांट के अंदर कभी भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है तो ये वही चीज़ लिखी हुई है कि जब C4 फोर एसिड बनता है मीजोफल सेल्स के अंदर जब वो आगे बंडल शीट्स में जाके ब्रोकन डाउन होता है तो वहाँ से CO2 रिलीज़ हो जाती है और ये जो CO2 है ये CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देती है जिसकी वजह से जो रुबिस्को है वो अपनी जो ऑक्सीजनेज वाली एबिलिटी है उसको खो देता है और CO2 के साथ बाइंड हो जाता है जिसकी वजह से जो C4 प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है और उनकी जो यील्ड यानी कि जो पैदावार है वो ज़्यादा बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू सी प्लांट्स के अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं यहाँ पे दो तरीके के फैक्टर हो सकते हैं जो अफेक्ट करेंगे पहला होता है इंटरनल दूसरा होता है एक्सटर्नल फैक्टर अगर हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो ये डिपेंड करते हैं जेनेटिक प्री के ऊपर यानी कि प्लांट का जेनेटिक्स जीन कंपोजिशन कैसा है और दूसरा है प्लांट की ग्रोथ कैसी हो रही है अब इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करते हुए इंटरनल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं पहला तो है नंबर साइज एज एंड ऑरियंटेशन ऑफ लीव यानी कि लीफ का कितने अमाउंट में है साइज कैसा है उसकी एज कैसी है उस जो लीफ है उसकी एनाटॉमी कैसी है दूसरा है मीजोफिल सेल और क्लोरोप्लास्ट तीसरा है इंटरनल सी ओ टू कॉन्सेंट्रेशन जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमने यहाँ पे बहुत देर से हम सी ओ टू के बारे में ही पढ़ रहे हैं और चौथा है अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल के कितना क्लोरोफिल यहाँ पे अवेलेबल है अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में जो कि रेट ऑफ़ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं तो एक्सटर्नल फैक्टर में सबसे पहला है सनलाइट दूसरा है सी ओ तीसरा है टेम्परेचर और चौथा है पानी तो इन्हीं चारों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के बारे में लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बोलता है कि किसी भी केमिकल प्रोसीजर के दौरान वो जो प्रोसेस है वो एक या एक से ज़्यादा फैक्टर्स की वजह से भी अफेक्ट हो सकता है ऐसी कंडीशन के अंदर जो भी प्रोडक्ट हमारा जो भी हमारा फैक्टर सबसे मिनिमल वैल्यू के अंदर है वो एज अ लिमिटिंग फैक्टर काम करने वाला है वही डायरेक्टली जो अमाउंट uh, होगा फोटोसिंथेसिस का या जो रेट होगा फोटोसिंथेसिस का उसको अफेक्ट करेगा यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो एज अ लिमिटिंग फैक्टर काम करें हो सकता है कि प्लांट के अंदर टेम्परेचर भी एज अ लिमिटिंग फैक्टर काम कराओ सी ओ टू कॉन्सेंट्रेशन भी एज अ लिमिटिंग फैक्टर काम कर रहा हो तो ऐसी कंडीशन में हम सबसे ज़्यादा जो मेन लिमिटिंग फैक्टर है वो किसको मानेंगे तो हम उस फैक्टर को मानेंगे जो कि सबसे कम वैल्यू में अवेलेबल है फॉर एग्जाम्पल सी टू अगर सबसे कम अमाउंट में अवेलेबल है प्लांट के पास बेशक टेम्परेचर भी उसके पास एज अ लिमिटिंग फैक्टर हो लेकिन सबसे ज़्यादा कमी अगर उसके पास सी टू की है तो जो सी टू है वो एज अ लिमिटिंग फैक्टर यहाँ पे काम करेगा हम बात करने वाले हैं सबसे पहले लाइट के बारे में तो जो बहुत ही एक लीनियर रिलेशन होता है इंसिडेंट लाइट और सी टू फिक्सेशन का और ये लो लो लाइट इंटेंसिटी के अंदर नॉर्मली जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है जैसे जैसे लाइट का अमाउंट बढ़ता है बिल्कुल वैसे वैसे जो सी टू फिक्सेशन का अमाउंट है वो भी बढ़ता है क्यों बढ़ेगा क्योंकि जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतना ही ज़्यादा हमारे पास एंड प्रोडक्ट ए और एन ज़्यादा बनेंगे जितने ज़्यादा ए टी पी एन ए पी एच ज़्यादा बनेंगे उतना ही ज़्यादा जो सी टू है वो शुगर के अंदर रिड्यूज़ हो पाएगी अब ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि नॉर्मली हमारे यहाँ जो सनलाइट है वो एज अ लिमिटिंग फैक्टर काम नहीं करती है क्योंकि जो लाइट सेचुरेशन होता है वो टेन परसेंट में फुल सनलाइट के हो जाता है लेकिन एक लिमिट तक तो हमारे पास लाइट भी बेटर है लेकिन उस एक पर्टिकुलर इंसिडेंट लाइट अगर एक पॉइंट के बियॉन्ड और आगे चली जाती है तो उसका भी नुकसान हो सकता है कि जो क्लोरोफिल है वो ब्रोकन डाउन हो सकता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस भी डिक्रीज हो सकता है अब हम बात करते हैं सी ओ टू कॉन्सेंट्रेशन के बारे में ये एज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर काम करती है हमें पता है हमारे एटमोसफियर के अंदर सी ओ टू कॉन्सेंट्रेशन जीरो है ये बढ़ सकती है जीरो परसेंट तक अगर ये यहाँ तक इंक्रीज होती है तब तक तो हमारा जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो इंक्रीज होगा अगर इसके ज़्यादा अगर सी ओ टू कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तो वो प्लांट के लिए भी डैमेजिंग हो सकती है अगर ज़्यादा हाई इंटेंसिटी है इसी दौरान सी थ्री और सी फोर प्लांट जो हैं वो अपनी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को बढ़ा लेते हैं आगे हम बात करने वाले हैं टेम्परेचर के बारे में कि जो डार्क रिएक्शन है हमें सारा पता है कि वो एंजाइमेटिक कंट्रोल होती हैं C3 थ्री प्लांट के अंदर यहाँ पर रूबेस्को काम आता है C4 फोर प्लांट के अंदर पी ई पी केस काम आता है यानी कि यहाँ पे एंजाइम्स की ज़रूरत है और हमें पता है कि जो एंजाइम है वो अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पी एच पे बेस्ट फंक्शन करते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर है पे दौरान वो जो एंजाइम है वो अपनी बेस्ट एफिशंसी देने वाला है अपना बेस्ट तरीके से काम करेगा तो जो एंजाइम्स है वो टेम्परेचर कंट्रोल होते हैं जो सी फोर प्लांट होते हैं वो ट्रॉपिकल ए हाँ सॉरी ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं इक्वेटर के पास में पाए जाते हैं इसीलिए वो अपना थोड़ा सा हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर जाते हैं रिस्पॉन्ड कर लेते हैं और अपनी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ा लेते हैं लेकिन जो सी थ्री प्लांट है उनको लोअर टेम्परेचर की ही ज़रूरत पड़ती है अगर उनको ज़्यादा हाई टेम्परेचर मिला तो उनके जो एंजाइम्स है वो डी नेचर हो जाएंगे और उनकी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी जो लास्ट लिमिटिंग फैक्टर काम कर सकता है वो है वाटर Uh, जो वाटर स्ट्रेस है उसकी वजह से जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाएंगे अगर स्टोमेटा क्लोज हो गए तो सी ओ टू कैसे अवेलेबल होगी तो उसकी वजह से सी ओ टू की अवेलेबिलिटी भी कम हो जाएगी और अगर ज़्यादा वाटर स्ट्रेस वाली कंडीशंस आती हैं तो उसकी वजह से जो लीव्स हैं वो वेल्ट होने लग जाएंगी जिसकी वजह से उनका जो सरफेस एरिया है वो भी कम हो जाएगा और अल्टीमेटली जो लीव की मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी So that's all for today. If you have liked our video, then please do not forget to like, share, and subscribe our channel. Also, you can tell us your views in our comment section as well. Thank you so much.